हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3rd है, इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ग्रुप्स टारगेटेड फॉर मास मर्डर बाय द नाजीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के द्वारा टारगेट करके मर्डर किए जाने वाले ग्रुप के लोग कौन कौन से थे, यानी किस किस ग्रुप के लोगों को नाजियों ने मास किलिंग के तहत हत्या की थी। आंसर है, द मेन ग्रुप्स टारगेटेड फॉर मास मर्डर बाय द नाजीज इंक्लूडेड ज्यूज, जिप्सीज, पोलिश, सिविलियंस, जर्मन्स विद डिसएबिलिटीज एंड पोलिटिकल अपोनेंट्स। तो जिन लोगों को नाजियों ने मास किलिंग के तहत मर्डर किया था, उनमें यहूदी, जिप्सी, पोलैंड के नागरिक, जर्मन में भी जो डिसएबल्ड थे और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन सब का मास किलिंग किया गया था हिटलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द वर्क इंट्रस्टेड टू द इंटरनेशनल वार ट्रिब्यूनल सेटअप इन न्यूरेम्बर्ग आफ्टर द वार। युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था, वह किस काम के लिए किया गया था। द वर्क इंटरेस्टेड टू द नेशनल वार ट्रिब्यूनल इन न्यूरेम्बर्ग आफ्टर द वार वाज टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस एंड यूनिटी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद द इंटरनेशनल वार ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था न्यूरेम्बर्ग में, ताकि जो नाजी वार क्रिमिनल्स थे उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके, उनको सजा दी जा सके। क्वेश्चन 3rd है, हाउ वर द डिप्यूटीज ऑफ रिस्टैग अपॉइंटेड। जो रिस्टैग जर्मन पार्लियामेंट था, उसके डिप्यूटीज का अपॉइंटमेंट कैसे होता था, उनका चुनाव कैसे होता था। आंसर है, डिप्यूटीज ऑफ द रिस्टैग वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर रिस्टैग के डिप्यूटीज का अपॉइंटमेंट होता था या चुनाव होता था। आंसर है, हु वर मॉकिंगली कॉल्ड नोवर्न क्रिमिनल्स। किन्हें नोवर्न क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा जाता था। आंसर है, दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स, वर मॉकिंगली कॉल्ड द नोवर्न क्रिमिनल्स। सोशलिस्ट, कैथलिक और डेमोक्रेटिक्स जो वाइमर रिपब्लिक के समर्थक थे, उनको मजाक से या चिढ़ाने के अंदाज में नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वार बाय द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का सिंबल क्या था। द रेड बैनर विद स्वस्तिका बिकेम द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी। झंडे पर लाल झंडे पर स्वस्तिक का निशान नाजी पार्टी का सिंबल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज हिटलर ऑफर्ड चांसलरशिप ऑफ जर्मनी एंड बाय हुम। हिटलर को चांसलरशिप के लिए किसके द्वारा और कब ऑफर किया गया था। आंसर है, ऑन 13th January 1933 द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। 30 January 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के द्वारा हिटलर को चांसलरशिप के पोस्ट के लिए ऑफर किया गया था, जो कैबिनेट में सबसे ऊंचा रैंक था। 7th क्वेश्चन है, विच वाज द मोस्ट फियर्ड सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द नाजी स्टेट। सबसे ज़्यादा डरावना पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स कौन था नाजी स्टेट में। आंसर है, गेस्टापो। द गेस्टापो सेक्रेट पुलिस वाज द मोस्ट फियर्ड सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द नाजी जर्मनी। गेस्टापो सबसे ज़्यादा भयानक, डरावना सेक्रेट पुलिस फोर्स था जो नाजी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच मूव ऑफ हिटलर इज सेड टू बी अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। हिटलर का कौन सा ऐसा काम था जो उसका ऐतिहासिक भूल कहा जाता है। आंसर है, हिटलर अटैकिंग द सोवियत यूनियन इन जून 1941 इज सेड टू बी अ हिस्टोरिक ब्लंडर। हिटलर के द्वारा सोवियत यूनियन पर 1941 में हमला किया जाना उसकी ऐतिहासिक भूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द टर्म जेनोसाइडल वार रेफर टू। जेनोसाइडल वार किसे कहा जाता है। आंसर है,
द टर्म जेनोसाइडल वार रेफर्स टू द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इन यूरोप बाई जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिल्कुल निर्दोष सिविलियनों की मास मर्डर को जेनोसाइडल वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फैक्टर्स इनेबल्ड द रिकास्ट ऑफ जर्मनी पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में किस तरह की परिस्थिति पैदा हुई थी, कल सिस्टम में जो चेंज आया था उसके लिए क्या जिम्मेवार था, यानी किस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन आया था। आंसर है द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द रिकास्ट ऑफ जर्मनी जर्मन पॉलिसी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द वार एंड द एबडिकेशन ऑफ द जर्मन एम्परर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मन की जो नीति में परिवर्तन आया था उसके महत्वपूर्ण फैक्टर थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार और जर्मन एम्परर का एबडिकेशन यानी उनका पद त्याग। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स के ऑथर कौन है? आंसर है चार्लोट बेरेट इज द ऑथर ऑफ द बुक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। चार्लेट बैरेट थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेग्ड अ जेनोसाइडल वार विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। एनालाइज दिस द रीजंस व्हाई द नाजी चूज द मेथड ऑफ गैसिंग फॉर मास मर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी छाया में जर्मनी में जो जेनोसाइडल वार हुआ था जिसके लिए मास मर्डर किया गया था लोगों को, सेलेक्टेड ग्रुप के इनोसेंट सिविलियन को, उसका क्या तरीका था। एनालाइज द रीजन व्हाई नाजी चूज द गैसिंग फॉर मास मर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। आखिर नाजियों ने गैस के माध्यम से मास मर्डर करने का तरीका क्यों चुना था? आंसर है द नाजीज यूज्ड गैसिंग एज अ मेथड ऑफ मास मर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ड्यू टू द इफिशियंसी एंड द एबिलिटी टू किल लार्ज नंबर ऑफ द पीपल सिमुलटेनसली। दिस मेथड वाज पार्ट ऑफ देयर सिस्टमेटिक अप्रोच टू द जेनोसाइड। मास मर्डर के लिए सबसे अच्छा तरीका उन्हें इसलिए लगा था क्योंकि ये बहुत ही इफ़िशियंट मेथड था जिसके द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ मारा जा सकता था। दिस मेथड वाज पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द जेनोसाइड। यह उनके एक सिस्टमेटिक अप्रोच था नरसंहार का। तो इस वीडियो में हमने कुल 12 क्वेश्चन की चर्चा की है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सो प्लीज़ इसे आप डाउन लिख लें अपने कॉपी में और इसको याद करें ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए सुविधा हो सके।